आप सबका फेवरेट स्पॉट के जहां मिलता है आपको, क्या बोलते हैं आपको, आप इसको बोलते हैं क्या, ये जो आप देख रहे हैं ना के जो पानी फुलके बोलते हैं, क्या बोलते हैं के पानी बताशे, पानी फुलके बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उसको हम फुलका बोलते हैं के, पानी फुलका बोलते हैं के, ठीक। कई लोग उसको पानी पूरी बोलते हैं, पानी फुलका कहते हैं, ठीक है। वाटर बॉल्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जो है, कई बार हम लोग, अब तो कोरोना के टाइम पे चलते हैं, हम लोगों ने, आपको बता दूं कि मार्च से लेके ना, फर्स्ट ऑफ मार्च से लेके अब तक हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, घर में ही खा रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारा खाना घर में ही बनाना सीख गया, जैसे घर में मेरी मम्मी जलेबी बना लेती हैं आजकल, ठीक है, वो जलेबी बनाना सीख गई है ना। और जो है घर में क्या क्या और बनाना, ब्रेड बनाना मैं सीख गया हूँ, और पास्ता बनाना मैं सीख गया हूँ, पिज्ज़ा का डो बना के, पिज्ज़ा एग्जैक्ट मार्केट में से बनता है वैसा पिज्ज़ा मैं बना सकता हूँ, ठीक है, वो मैं सीख गया हूँ। तो जो जो इटालियन वाला फूड है वो मैं सीखा हूँ, इंडियन वाला फूड जो है अच्छे लेवल पे, मम्मी कचोरी समोसा जलेबी सब बनाना मम्मी सीख गई है, ठीक है। भारती के बारे में बता रहा हूँ बेटा, चिंता नहीं करो, ठीक है। भारती में बहुत तरह की सब्जियाँ बनाना, बहुत सारा फूड बनाना वो भी सीख गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने बाहर खाना भी बंद ही कर दिया 6-8 महीने में, नहीं गए हमारे पास। तो मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो जो है वो होटल ताज का भी मेंबरशिप मेरे पास में बॉम्बे के अंदर, वो भी बेचते रहते हैं कि भाई आपको फूड घर से ऑर्डर कर लीजिए, आप आपको घर भिजवा देंगे फूड। लेकिन तब भी पता नहीं कोरोना ने इतना डरा दिया कि उसके चलते जो है वो बाहर का फूड मंगाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन पहले कभी हम लोग जो है यहाँ पर एक सेंट रेजिस था, वहाँ पे कभी फूड खाना खाने जाया करते थे, कभी महीने 2 महीने में एक बार चले गए। तो वो यहाँ पे बड़ा फेमस होटल है यहाँ पे बॉम्बे के अंदर, इट्स अ 5-star, वेरी गुड 5-star। तो वहाँ पे बकायदा मेन्यू में लिखा था इंडियन वाटर बॉल्स, इंडियन वाटर बॉल्स मतलब ये यही पानी फुलका, ठीक है। लेकिन वहां पे तरीका डिफरेंट है, वहां पे पानी फुलके में आपका एक कंटेनर होगा, वाटर भरा होगा, उसमें आपको भर कर देंगे, फिर एक इंजेक्शन के सिरिंज के समान आपको भर कर वो आपको देंगे। तो सिरिंज होगा आपको स्टरलाइज, उसमें भरा होगा वो अपना जो ग्रीन और रेड लिक्विड होता है, फिर वो आपके पास भेजेंगे उसमें, और उसमें जो है अपने अपने तरीके से इंजेक्शन डालिए बगैर हैंड टच किए आपके, मतलब आपको जो है अपना खाद केवल लगाना पड़ेगा खाने के लिए आपको, अदरवाइज नो ह्यूमन टच देयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब जो है वो बेच रहे हैं बढ़िया, देखिए एकदम हाथ अंदर डुबाएंगे इसके अंदर और बना के देंगे, और खुशी खुशी लोग खा रहे हैं खूब मजे में के, और बहुत मजा, चटपटा, इतना चटपटा, वाह, आया मुंह में पानी, क्या बात है, चटपटा सुन के, अच्छा सुन के मुंह के अंदर पानी आ गया है ना। चलो अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम कुछ है, कुछ सोचते हैं कि क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। हाँ, हमारा आर्टिस्ट बाहर निकल आया अभी के, खा लो भैया मेरा पानी फुलका, जाना पड़ेगा बार बार होने हल्का, इससे तुमको होगा डिसेंट्री डायरिया, खाने वाले तुम हो मेरा क्या जा रिया। तो चलिए ऐसे ही हमारा अप्रोच है, भारतीय संस्कृति में हमने जो फूड के हाइजीन को लेकर सोचना शुरू किया वो ऐसे ही किया के, यदि ये आदमी केवल इतना भर सोच लेना कि मेरी दुकान को मुझे ग्रो करना है, मैं देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं कि कई लोग जो है वो काम करते हैं, मेहनती लोग हैं के, लेकिन इनको एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट है कि भैया तुम इसी चीज को थोड़ा तरीके से करोगे ना, 2 रुपया हमसे ज्यादा लेना, 2 रुपया हमसे ज्यादा चार्ज करना, ठीक है, हम देने तैयार हैं, लेकिन आप हमारे स्वास्थ्य के, क्योंकि हम वो 2 रुपये नहीं बचाना चाहते, हम चाहते हैं अपनी इसके बीमार ना पड़े। तो केवल जो फूड हाइजीन के लिए हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ये हिस्सा ये कल्चर के अंदर डालना पड़ेगा। मेरे घर में जो कुक है रोटी बनाता है, मैं उसको मना करता हूं कि भैया तुम हैंड टच कम से कम करो फूड को, यूज स्ट्रॉन्ग आता है, तमाम जो इक्विपमेंट आते हैं वो इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है ना। मैं खुद जब कुछ पकाता हूं तो आई जनरली अवॉइड टू टच फूड बाय हैंड। आप बोलोगे सर आटा किससे गुंथता होगा आपके घर में, मशीन है, हम मशीन का को प्रेफर करते हैं, आटा मेकर मशीन आती है उसको प्रेफर। अब ये मेरा थोड़ा क्या एक पेच हिला हुआ है, इसलिए आप मेरे से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। आप जो है मतलब मैं तो स्वीकार करता हूँ, मेरी वाइफ भी मुझको बोलती है चीज के, मेरे कुछ जानने वाले दोस्त वो भी कहते हैं कि डॉक्टर का एक आध पेच जो है वो गड़बड़ है, तो बहुत हाइजीन का ध्यान रखता है, गाड़ी में भी बैठेगा तो स्टेयरिंग को, मतलब ये कोरोना के पहले की बात है, यदि मेरा ड्राइवर कार चला रहा हूँ, किसी दिन मेरे को कार चलाना हुआ ना, तो मैं सबसे पहले सैनिटाइजर लेके जाऊंगा, स्टेयरिंग को साफ करता था सैनिटाइज, गाड़ी के गियर को और सबको, गेट को जो भापे, फिर एक सीट में एक टॉवल लगा के फिर मैं ड्राइव करता था गाड़ी। तो सब लोग होते हैं कि डॉक्टर तो जो है कुछ ज्यादा ही जो है डॉक्टर है इसलिए ज्यादा ध्यान, आज पूरी दुनिया को वही करना पड़ रहा है जो मैं कोरोना के पहले से कर रहा था ना, पूरी दुनिया आज मैं सैनिटाइजर साथ लेके चलता, मतलब मैं आपको 10-15 साल हो गया मेरे को के मैं अपने साथ सैनिटाइजर लेके चलता हूं, हमेशा कोई भी ट्रेवल हो कहीं सैनिटाइजर मेरे पास होता है, पानी की बोतल मेरे पास में होती है, मास्क
जब मैं बॉम्बे में मास्क लगा के घूमा, जब ये बात है दिसंबर की, जनवरी की, जब मैं बॉम्बे में मैंने पब्लिक प्लेस में मास्क लगा, जनरली मैं कोई भी पेशेंट देखता हूं तो मैं मास्क लगाता हूं। अब मेरे केबिन में कोई मुझसे मिल जाता उसको जुकाम वगैरह, तो अपना मैं उसका मास्क तो मैं तय नहीं कर सकता हूं, अपना मैं मास्क लगा लिया करता था। जब मैं मॉल गया, सच बताऊं जनवरी की बात है, मैं मॉल गया तो मॉल में जब मैं मास्क लगाया था तो सारे लोग मुझे पलट पलट के देख रहे थे। एक बार हम एक स्टोर में गए तो स्टोर वाले ने पूछा कि सर आपको कोई डिजीज हो गया क्या? मैंने कहा नहीं भैया, डिजीज से बचने के लिए पहना है मास्क। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मुस्कुरा मुस्कुरा के देखा था लोग बाग, देखो तो पागल। पूरे मॉल में लोग बाग जो है बढ़िया स्टाइल से है, जो है वो स्टाइल, मतलब यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे मॉल है बॉम्बे के अंदर ना, मतलब आपको आप ऐसे जो मॉल हमारे घर के पास में जो मॉल है वहां पे आपको तमाम सेलिब्रिटी दिख जाएंगे आपको के मॉल के अंदर, लोग स्टाइल से घूम रहे हैं, मैं मास्क लगा के घूम रहा हूँ, लोग मुझको पागल समझ रहे हैं। महीना भर बदला, कोई भी आज हर आदमी मास्क लगा घूम रहा है। आज वही मॉल में बाहर लिखा हुआ है कि मॉल खुल गया, मॉल में एंट्री है तो मास्क लगेगा, आप बुखार चेक करेंगे तब आपको अंदर जाने देंगे मॉल के। तो सावधानी हमेशा बेहतर होती है। तो ये तो फूड कल्चर का हिस्सा है कि भाई देखो हैंड हाथ से टच कर रहा है आदमी, ध्यान नहीं दे रहा फूड पे, एडमिट के बीमारी को जो है वो जो है मुफ्त में बीमारी बांट रहे हैं, तो वो ये ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए आप देखो, मैं बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि नहीं खाना चाहिए इसको आपके, मैं कहता हूं कि इन भाई साहब को भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना हाइजीन है। हाथ डुबो के मतलब आप सोचिए ना, मतलब मैं कैसे बोलूं कि आप किसी चीज में हाथ डुबोएंगे तो क्या हाथ का मैल नहीं निकलेगा, पसीना नहीं आता होगा, स्वेट, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यार। अब ये देखिए,